The denominator of a rational number is greater than its numerator by 8. If the numerator is increased by 17 and the denominator is decreased by 1, the number obtained is 3 by 2. Find the rational number. अब ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है? ये तो सीधा सीधा नंबर्स की बात है, और इसमें भी जो क्वेश्चन में लिखा है उससे हमें एक लीनियर इक्वेशन बना लेना है. जब लीनियर इक्वेशन बन जाएगा हमारा तो उसको सॉल्व करके आंसर भी आ जाएगा. सारा का सारा दिमाग जो लगना है उसको लीनियर इक्वेशन फ्रेम करने में लगना है इस क्वेश्चन में. सॉल्व करना तो मैं मान लेता हूँ अब आ गया है, जिनको नहीं आया है वो प्रैक्टिस करके सीख लेंगे आगे. लेकिन इस क्वेश्चन में जो लिखा है इसको सबसे जरूरी है पहले इक्वेशन के फॉर्म में लिखना, ठीक है ना. धीरे धीरे आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है. मैं हूँ, मैं सिखाऊंगा, बार बार सिखाऊंगा, बार बार बताऊंगा. अब इतनी बेसिक सी बात ही है तो समय लगता है, थोड़ा सा सीख जाओगे. हमें क्या दिया है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8. मतलब अगर न्यूमरेटर हम लोग का n मान लेते हैं न्यूमरेटर को, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? n प्लस 8, है ना. न्यूमरेटर n है, न्यूमरेटर को n मान लिया, तो डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाई 8. जो न्यूमरेटर n है उससे ज़्यादा है. कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है उससे. तो हमारा नंबर क्या हो गया? n डिवाइड बाई n प्लस 8, यह नंबर हुआ हमारा रैशनल नंबर. दो नंबर को डिवाइड करने से एक रैशनल नंबर आता है. कोई भी नंबर जो p बाई q के फॉर्म में है उसको रैशनल नंबर बोलते हैं, या a बाई b के फॉर्म में है, याद है ये सब, उसको रैशनल नंबर बोलते हैं. इसमें नीचे जीरो नहीं आ सकता है, और कहीं भी कुछ भी आ सकता है. इसका जो डिनोमिनेटर होगा नीचे की तरफ जो होगा, ये q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो. चूँकि अगर q जीरो हो जाएगा तो फिर p बाई जीरो का मतलब क्या हो जाएगा? p बाई जीरो, इसका कोई मतलब नहीं होता है, डिफाइंड नहीं होता है. ये b जीरो नहीं होगा हमारा, q या b जीरो नहीं, जीरो नहीं हो सकता है. उसके बाद उसके अलावा कोई भी इंटीजर हो सकता है. इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, ठीक है ना. तो ये हमारा एक फ्रैक्शन बना, n डिवाइड बाई n प्लस 8, ठीक है. यह हमारा पहला नंबर है. उसके बाद क्या दिया है? न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाई 17. मतलब जो न्यूमरेटर है n, इसमें 17 बढ़ा देना है, 17 ऐड करना है. अब पूरा यहाँ पे प्लस 17 नहीं करना है, क्योंकि साफ साफ लिखा है सिर्फ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाई 17. तो ये जो ऐड करना है ये प्लस 17 इस तरह से नहीं करना है, इसको न्यूमरेटर में 17 ऐड करना है. प्लस 17 इस तरह से ऊपर न्यूमरेटर में आ गया. और डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाई 1. मतलब नीचे जो n प्लस 8 था इसमें 1 माइनस कर देना है, n प्लस 8 में 1 को माइनस कर देना है. यही क्वेश्चन में दिया है. तो अब जो नंबर आता है वह होता है 3/2. यह भी दिया है क्वेश्चन में, 3/2 आता है. तो कहाँ पे प्लस 17 किया, कहाँ पे माइनस 1 किया, किस तरह से इक्वेशन बना, समझ में आया ना. अब फिर ये लीनियर इक्वेशन बन गया, पिछले क्वेश्चन में जैसा इक्वेशन बना था बिल्कुल उसी तरह का इक्वेशन है. क्या करेंगे इसको हम लोग? n प्लस 17, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं डिनोमिनेटर को, जो प्लस 8 और माइनस 1 है. तो ये हो जाएगा n प्लस 7 इज इक्वल टू 3/2, ठीक है. अब इस 2 को हम लोग लेफ्ट साइड में ले आएंगे, ये ऊपर आ जाएगा. n प्लस 7 को राइट साइड में ले आएंगे, ये भी ऊपर आ जाएगा. तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? 2 इंटू एन प्लस 17 इज इक्वल टू 3 इंटू एन प्लस 7. किसी के मन में ये क्वेश्चन तो नहीं आ रहा ना कि मैंने पूरे n प्लस 17 को 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, सिर्फ n को क्यों नहीं किया? क्योंकि ये पूरा का पूरा ही ऊपर है, ये पूरा का पूरा ऊपर है, तो पूरे को ही 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, आधा को क्यों करूँगा, पूरे को मल्टीप्लाई करना है. तो अब हमारा इक्वेशन क्या बन गया है? यहाँ से अगर देखें तो 2 इंटू एन, 2n प्लस 17 इंटू 2 34 इज इक्वल टू 3n प्लस 21. अब तो ये सॉल्व हो जाएगा. इस 3n को लेफ्ट में लाना है, 34 को राइट में लाना है. 2n इज इक्वल टू 21, यह तो पहले से था. 3n को इधर से इधर लाना है, तो प्लस का यह माइनस हो जाएगा.
और 34 इधर से इधर जाएगा, तो ये प्लस का ये भी माइनस हो जाएगा। तो कितना और क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस एन इज इक्वल टू 21 माइनस 34, कितना होगा यह माइनस 13, तो n इज इक्वल टू 13 हमारा आ जाएगा, आएगा। जब n इक्वल टू 13 आ गया तो हमारा नंबर था n डिवाइड बाई n प्लस 8, ओरिजिनल नंबर तो यही था ना स्टार्टिंग नंबर, यह कितना होगा 13 बाई 13 प्लस 8 इज इक्वल टू 13 बाई 21, यह नंबर है हमारा। समझ में आ रहा कैसे बना क्वेश्चन?